हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिसंबर की 31 तारीख और आज मैं मौसम का हाल दिखा देती हूँ। आज भी हमारे यहाँ ऐसा का ऐसा ही हाल है, कोहरा छाया हुआ है। धूप का तो नामो निशान ही नहीं है क्योंकि इतनी ठंडी और हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। धूप नहीं है, अगर धूप होती है तो इतना ज़्यादा ठंडा मौसम होता नहीं है, थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है, लेकिन ठंड का मौसम है भाई, क्या करें। अब दिसंबर चल रहा है और धूप आए, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि विंटर में आप कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, फ्लावरिंग पौधे, जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिस किसी ने नहीं करा है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिर्च हो गई हैं, तो इनको अब हार्वेस्ट करूँगी मैं। और चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इम्पेशन का प्लांट है, ये बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है और फ्लावर्स भी बड़े सुंदर लगते हैं। तो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लगाएंगे तो आसानी से ये कटिंग इस टाइम पर लग जाएगी। और देखिए कितनी सारी इसमें बड बनी हुई है, बहुत छोटा पौधा लेके आई थी और अब देखिए कितना बुशी हो गया है। नेक्स्ट पौधा है ये डैंथस का पौधा है और देखिए नीचे से ग्रोथ कितनी अच्छी है। ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग थी, वो मैंने कट कर दी थी क्योंकि नीचे से ग्रोथ चाहिए थी मुझे, बुशी चाहिए था पौधा, तो इस टाइम पर आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है ये देखिए चाइनीज़ वॉयलेट का है, इसमें विंटर में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। देखिए फ्लावर्स मैं दिखा देती हूँ, तो इस टाइम पर आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। और ये देखिए इसमें बड बनी हुई है, बहुत सारी बड बन रही हैं और इसमें देखिए ये मैंने कटिंग से ही लगाया है। इसका मदर प्लांट मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका मदर प्लांट है, बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हुई थी और अभी भी इसमें देखिए बहुत सारी बड बनी हुई है, हर ब्रांच पर आपको बड़ी बड दिखाई देगी। तो नेक्स्ट पौधा तो ये है, इससे अलग आप इस टाइम पर ये देखिए, ये है मैरीगोल्ड का पौधा है, ये इसको गेंदा बोलते हैं। और देखिए इस टाइम पर इसमें कितने अच्छे फ्लावरिंग होती है, बड बनी हुई है। फ्लावरिंग तो मेरे यहाँ बंदर छोड़ते ही नहीं है, ये देखिए सारा ऊपर से तोड़ रखा है, बहुत सारी इसमें बड बनी हुई थी, अभी भी देखिए इसमें बहुत सारी बड बनी हुई है, लेकिन बंदर ही नहीं छोड़ते मेरे यहाँ। तो ये मैंने कटिंग से ही ग्रो करा था, छोटे से पॉट में देखिए लगा हुआ है बॉटल में, तो इस टाइम पर आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए सेलोसिया बोलते हैं, कोस्कोम बोलते हैं, तो इसकी भी आप इस टाइम पर कटिंग लगा ले, बहुत ही आसानी से लग जाती है, ये बीजों से बहुत ईजली ग्रो हो जाता है। ये मेरा बीज से ही ग्रो हुआ है, इसका मदर प्लांट ख़राब हो चुका है, बंदर ने ख़राब कर दिया था, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए वर्मीना है, बहुत ही प्यारी इसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत ही सुंदर इसमें बंचेस में फ्लावरिंग होती है, बहुत ही प्यारा लगता है। इस टाइम पर आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, फ्लावरिंग तो अभी नहीं है खैर, लेकिन जल्दी ही होगी, जब और जब भी होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर है ये कैलेंचो है, देखिए कितने सारे कैलेंचो हैं। इस टाइम पर आप इसकी कटिंग लगाएंगे, बहुत ही आराम से इसकी कटिंग लग जाती है। ये वाला पौधा मेरा कटिंग के थ्रू ही लगा हुआ है और इसमें देखिए फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और ये है वेरीगेटेड वाला, देखिए इसमें भी हर जगह से फ्लावरिंग के लिए बड बन रही है, बंचेज में फ्लावरिंग होती है और मेरे गार्डन में फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग होगी। देखते हैं बंदर छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये कटिंग से आराम से लग जाता है, इतना मुझे पता है ये वाला, क्योंकि मैंने कटिंग से ही लगाया है। तो आप चाहें तो इस टाइम पर इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए बेबी सन रोज़ है, तो इस टाइम पर आप इसकी भी कटिंग लगा लेंगे, नए नए पौधे बन जाएंगे गर्मियों तक। गर्मियों का पौधा है ये, तो आप अगर इस टाइम पर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समर में फ्लावरिंग मिलेगी और कटिंग भी बहुत ही आराम से इस टाइम पर लग जाएगी। नेक्स्ट है देखिए नेस्टीशियम है और एडिबल पौधा होता है, इसकी पत्तियां खाई जा सकती हैं। फ्लावरिंग देखिए इसमें इस तरह से होती है, अभी हुई नहीं है, जैसे ही होगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें देखिए दो फ्लावर्स आने में लगे हुए हैं, जैसे ही लगेगी आएंगे फ्लावर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसकी कटिंग बहुत ही आराम से आप लगा सकते हैं, बीजों के थ्रू बहुत ही आराम से ये ग्रो हो जाता है, लेकिन कटिंग आप चाहें तो इसकी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पर्पल हार्ट है, इसकी भी कटिंग आप आराम से लगा सकते हैं, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए इस तरीके के इसमें फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही आराम से इसकी कटिंग लग जाती है और बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स, तो आप चाहें तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए हिबिस्कस है, इसमें तो बंदरों ने मेरे छोड़े ही नहीं है, बहुत ही अच्छे इसमें बड बनी हुई थी, लेकिन बंदर नहीं छोड़ते हैं, सब ख़राब कर देते हैं। तो इस टाइम पर आप इसकी भी कटिंग लगा लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग मिलेगी और बहुत ही अच्छे से वो कटिंग भी ग्रो हो जाएगी। और इसी के बगल में मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ये है गुलाब, रोज़ का प्लांट है ये, और ये देखिए बंदरों ने तोड़ रखा है, क्या हालत कर दी है। आगे भी काफ़ी सारे मेरे रोज़ के पौधे हैं, पहले ख़राब नहीं करते थे लेकिन अब ज़्यादा ख़राब करने लगे हैं पौधों को। रोज़ के जो हाइब्रिड होते थे तो उन्हें लोग ख़राब नहीं करते थे, तोड़ते नहीं थे, लेकिन अब देखिए सारा तोड़ दिया है। तो आप इसकी भी कटिंग इस टाइम पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यह है थनबर्गिया का प्लांट है, देखिए कितनी अच्छी चीज़ में फ्लावरिंग हो रही है, बड बहुत ही अच्छे से बन रही हैं, लेकिन बंदर इसे ख़राब कर देते हैं। और ठंड की वजह से नीचे के भी पत्ते देखिए थोड़े से गिर गए हैं। तो ये देखिए इसमें फ्लावरिंग बड बनी हुई है फ्लावरिंग के लिए, तो आप चाहें तो इस टाइम पर इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आराम से कटिंग लग जाएगी। और देखो बंदरों ने बड भी तोड़ दिए, नीचे पड़ी हुई है ये देखिए यहाँ पर, और नीचे फ्लावर भी तोड़ रखा है, बहुत नुकसान करते हैं। देखिए नीचे ये देखिए छोटी छोटी सी बड तोड़ रखी हैं, इतना परेशान करते हैं बंदर। तो आप इस टाइम पर ये भी कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पौधे जिनको आप आसानी से कटिंग के थ्रू इस टाइम पर लगा सकते हैं। फ्लावरिंग वाले पौधे मैंने बताए हैं, वैसे तो बहुत सारे पौधे होते हैं लेकिन मैं फ्लावरिंग प्लांट नहीं लगाती हूँ क्योंकि बंदर मेरे ख़राब कर देते हैं। तो आप नर्सरी जाएँ तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लावरिंग के पौधे मिल जाएंगे, बट मैं नहीं लाती हूँ। मेरे पास जो थे मैंने वो आपके साथ शेयर करे हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय। एंड जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।